हेलो एवरीवन, अब हमारा टॉपिक है यूरिनो जेनिटल सिस्टम ऑफ फीमेल। और यूरिनो जेनिटल सिस्टम क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब हम फीमेल का स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने मेल का कर लिया था, तो अब फीमेल का। ठीक है, तो यूरिनो जेनिटल सिस्टम ऑफ फीमेल स्कॉलिडनी है। ठीक है, अब इसमें भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा। तो अब हम पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अब इसमें भी किडनीज होगी, तो इसमें भी दो टाइप की किडनीज होती है। मैं यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ठीक है, ये इसकी किडनी है। इसमें जो आगे वाला पोर्शन है वो एंटीरियर पार्ट है किडनी का, और जो पीछे वाला है वो पोस्टीरियर पार्ट है किडनी का। जो है इसमें भी मेल की तरह ही जो ऊपर वाला जो एंटीरियर पार्ट है वो नॉन एक्सक्रीटरी होता है, लेकिन जो मेल है उसमें जो नॉन एक्सक्रीटरी पार्ट है, जो इसका एंटीरियर पार्ट है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कंबाइंड था। लेकिन इसमें जो यूरिनो जेनिटल सिस्टम फीमेल का है, इसमें ये दोनों ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव है और जो एक्सक्रीटरी है वो दोनों कंबाइंड नहीं होते हैं। यही मेन इसका डिफरेंस है। मेल में कंबाइंड होते हैं और इसमें कंबाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नीचे वाला ये है पोस्टीरियर है, तो इसमें छोटी छोटी यूरिनोफेरस ट्यूबल्स होगी। वो ट्यूबल्स कंबाइन होके जो ये बड़ी वाली यूरेटर है उसमें ये मेन जो इसकी छोटी छोटी डक्ट है उससे इसमें खुलती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डायग्राम में। तो देखिए, जो इसका ये आगे वाला नैरो पोर्शन है ये एंटीरियर है। देखिए, यहाँ किसी टाइप से ये इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कंबाइन नहीं है, ये सिंगल है। ठीक है, अब इसका जो नीचे वाला है ये पोस्टीरियर, जो पोस्टीरियर किडनी है। ठीक है, तो इसमें छोटी छोटी यूरिनोफेरस जो ग्लैंड्स है ट्यूबुल्स है सॉरी ग्लैंड्स नहीं ट्यूबुल्स वो अब इस इन वाले ये डक्ट है इनमें खुल रही है, और इसके बाद में जो मेन जो बड़ी डक्ट है उसमें खुलती है। उस डक्ट का नाम है यूरेटर। ठीक है, अब इसमें देखिए, एक तो ये डिफरेंस आ गया कि इसमें ये जो रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी दोनों कंबाइंड नहीं होते हैं। इसके बाद एक डिफरेंस ये है कि इनमें जो दोनों साइड की जो ये किडनीज है वो नीचे की और आगे दोनों कंबाइन हो जाती है, और कंबाइन होके फिर सिंगल एक ही एपर्चर से जो साइनस है उसमें खुलती है। ये मेन डिफरेंस है इसका, एक ही एपर्चर और उसी एपर्चर से बाहर निकलती है। और इसकी जो यूरेटर है वो भी नीचे की और आगे कंबाइन होती है। यूरेटर ही मेन तो है, ये तो इसका तो कोई एपर्चर नहीं है, इसका ही एपर्चर होता है यूरेटर का। तो यही एपर्चर फिर एक ही एपर्चर से फिर बाहर निकलती है, दोनों कंबाइन हो जाती है, दोनों जो डक्ट है वो कॉमन हो जाती है दोनों के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका यूरिन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बहुत इजी है, यहाँ पे भी पेपिलाई होगा और वहाँ से फिर बाहर निकलेगा। इनमें क्लास्पर्स नहीं होते, ये भी इसका एक डिफरेंस है। अब देखते हैं हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अब हमें भी पता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें क्या कौन कौन से ऑर्गन होते हैं वो इसमें भी होंगे। तो इसमें क्या क्या होंगे, सबसे पहले ओवरी होगी, फिर ओविडक्ट होगा। ठीक है, और यूटेरस होगा, वजाइना होगा, ये तो होंगे, और इसके अलावा और भी है वो अब हम इसमें देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो ये तो दो लीवर है, ये भी
जो मेल है वो भी जहाँ पे लीवर है वहाँ के स्टार्टिंग जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ से ही स्टार्ट होता है और पूरे एंड तक क्लोका में आके फिर एंड होता है। और जो फीमेल है उनमें भी जो इसका सिस्टम है वो लीवर के इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है और एंड तक क्लोका में जाके एंड करता है। तो अब हम इसका पूरा देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो देखिए इनमें दो ओवरीज होती है, ठीक है ना। ओवरीज का एक पेयर होता है, उसके पेयर के बाद में इसके नीचे एक ये ऑर्गन होते हैं, दोनों साइड होते हैं, और इस ऑर्गन का नाम है एपिगोनल ऑर्गन। एपिगोनल ऑर्गन ये इम्पोर्टेंट है इसका मेन। एपिगोनल ऑर्गन के बाद में यहाँ पे जो मेल है उसमें भी रेक्टल ग्लैंड थी, तो ये रेड कलर की रेक्टल ग्लैंड है। तो ये एपिगोनल जो है वो यहाँ पे ये टिश्यूज़ है नॉन ग्लैंडुलर, मतलब इसमें ग्लैंड्स नहीं होती है, तो नॉन ग्लैंडुलर होती है, वो रेक्टल से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद में ये जो ओवरी है इनमें ये फॉलिकल्स होते हैं, ये उभरे हुए होते, देखिए बाहर कैसे दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे कोई फूला हुआ है, ठीक है ना। ये फॉलिकल्स है और हर ओवरी के अंदर एक जो फॉलिकल है उसके अंदर एक ओवम होता है जो डेवलप हो रहा होता है। तो यहाँ से जो डेवलप होने के बाद में ये यहाँ से गिर जाते हैं। यहाँ से गिरने के बाद में ये डायरेक्ट ये जो पूरा ये कलर है ब्राउन कलर का, ये पूरी ओविडक्ट है, ठीक है ना। यहाँ तक ये ओविडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से गिरते ही ये ओविडक्ट के अंदर आ जाता है, यहाँ से भी गिर के ये ओविडक्ट के अंदर आ जाता है। तो ओविडक्ट के अंदर आता कैसे है, तो पहले अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम ओविडक्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, बाद में ये ओविडक्ट में एग कैसे आता है बाद में हम वो देखेंगे। तो ये ओविडक्ट है पूरा, इस साइड एक और ये इस साइड एक। तो यहाँ ऊपर जाके जब दोनों ओविडक्ट कंबाइन हो जाते हैं तो यहाँ पे ओविडक्ट फनल बनता है, ठीक है ना। यहाँ क्या बनता है, ओविडक्ट फनल बनने के बाद में जो ओविडक्ट फनल है उससे थोड़ा नीचे की ओर आने पर यहाँ पे देखिए ये थोड़ी फूली हुई है, जो ये ओविडक्ट है ये थोड़ी फूली हुई है, फिर वापस जो है ये नैरो हो जाती है, संकरी हो जाती है। तो जो फूली हुई है इनमें क्या होता है कि इसके चारों ओर शेल ग्लैंड होती है, शेल ग्लैंड होती है। तो जैसे ही यहाँ से एग नीचे गिरता है तो यहाँ से जो जो म्यूकस जो ये इसका सिक्रेशन करती है, तो वो इस एग के चारों ओर जो पतली पतली क्या बनाती है, मेम्ब्रेन बनाती है, और जिसमें ये एग इसमें रहता है और ये मेम्ब्रेन बन गया, तो ये इससे चिपकी हुई रहती है यहाँ पे। तो इसके बाद ये इसके अंदर आ जाती है, अंदर आते ही फिर ये देखिए अंदर आ गई। और अंदर आने के बाद में जो इसका फर्टिलाइजेशन है वो ये फनल और ये शेल जो ग्लैंड है इसके बीच का जो ये पोर्शन है यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और एग का। इसके बाद में जो ये ओविडक्ट है यहाँ पे आके पतली हो गई और यहाँ पे आके ये एंड हो गई। यहाँ के बाद में ये फिर ये वापस चौड़ी हो रही है, इसे कहेंगे यूटेरस, हिंदी में गर्भाशय, यूटेरस के बाद में। अब यूटेरस में भी क्या होता है कि जैसा हमने किडनी में देखा था कि दोनों किडनी नीचे आके कंबाइन हो रही है, तो इसमें भी दोनों नीचे की ओर आके कंबाइन होती है। डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना है, ये दोनों यहाँ पे आके ऐसे कंबाइन हो जाती है, ये आके कंबाइन हो जाती है। यहाँ कंबाइन होने के बाद में जो ये साइनस है यूरिनोजेनिटल साइनस, उनमें एक ही पोर से फिर ये बाहर निकलती है। तो ये इस टाइप में इसका स्ट्रक्चर है। और वही जो क्लैस्पर है, क्लैस्पर में जो ये साइफन है जो इसके स्किन पे होते हैं उससे जो पानी है वो फुल फोर्स से जो स्पर्म है उनको धक्का लगाते हैं, और धक्का लगाने के बाद में वो डायरेक्ट जो इसके क्लोका में है उसमें एंटर कर जाती है। और एंटर करने के बाद में क्या होता है
कि जो इसका इन दोनों के जो फनल है, ओविडक्ट फनल और जो शेल ग्लैंड है, उन दोनों के बीच में आने के बाद में ये क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। और फर्टिलाइज होने के बाद में ये फिर आगे का प्रोसेस करते हैं, जो एम्ब्रियो बनता है फिर उसका प्रोसेस आता है। तो ये था हमारा यूरिनोजेनिटल सिस्टम, अब ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। थैंक यू।